हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के अंदर आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स, राइट। इस चैप्टर के अंदर थोड़े से ज्योमेट्री कंसेप्ट है जो मैं आपको सम के बीच में बताते जाऊंगा। उन सभी कंसेप्ट को हमें याद रखना है, उन सभी कंसेप्ट का यूज करके हम सभी सम्स को सोल्व कर सकते हैं, राइट। इस चैप्टर में कुछ प्रूफ जेड वाले सम्स भी होंगे और कुछ सम्स जिसके मैं एंगल्स का आंसर फाइंड करना हूँ, इस टाइप के भी सम होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें यहाँ पे एक फिगर दी गई है। तो क्वेश्चन 1 के अंदर हमें एक फिगर दी है जिसके अंदर ए ओ सी और बी ओ ई, ये दो एंगल का एडिशन है 70 डिग्री, साथ में एंगल बी ओ डी उसकी वैल्यू 40 डिग्री। एंगल बी ओ ई और सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिया हुआ है कि ए ओ सी मतलब कि ये एंगल और बी ओ ई मतलब कि ये दोनों एंगल का जो एडिशन है वो 70 डिग्री है, ये का मतलब पता है। बी ओ डी मतलब कि बी ओ डी ये एंगल 40 डिग्री है, ये हमें पता है। इसके ऊपर से हमें एंगल बी ओ ई ये फाइंड करना है। बी ओ ई एंगल मतलब बी ओ ई ये वाला एंगल इसने भी नहीं फाइंड करनी है हमें। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई ये वाला है, इसका रिफ्लेक्स मतलब इसके बाकी का, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको फिगर के अंदर इस तरह की क्रॉस दिखे, आपको फिगर में कभी भी इस तरह की कोई दो लाइन क्रॉस हो मतलब एक्स बनता हो तो उसमें दोनों ऑपोजिट वैल्यूज हैं एंगल के वो सेम हो, मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इस एंगल की होगी, जितनी वैल्यू इस एंगल की होगी उतनी वैल्यू इस एंगल की होगी, ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सेम होते हैं, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे x बन रहा है यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, इसलिए ये एंगल और ये एंगल ये दोनों हमेशा सेम होंगे। सो हम लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, रीजन लिखेंगे हम बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स राइट। यहाँ पे एंगल BOD मतलब ये इसकी वैल्यू 40 डिग्री, सो एंगल AOC ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल थे और इसकी वैल्यू 40 थी इसलिए ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिक हो जाएगा 40 डिग्री, सो एंगल AOC ये भी हो गया 40। अभी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है BOE और दूसरा इसका इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। उसके अलावा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एंगल AOC एंड BOE इसके वैल्यू 70, इसका यूज करेंगे हम एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की जो वैल्यू हमें मिल चुकी है 40 डिग्री, इसलिए यहाँ पे इसकी जगह मैं लिखूंगा 40 प्लस BOE एज इट इज इक्वल टू 70। ये 40 ऑपोजिट साइड जाएगा माइनस जाएगा 70 माइनस 40 तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, सो एंगल BOE इज 30 डिग्री। उसके बाद अभी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें मिल चुके 30। उसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, कभी भी आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं देगी, तो इसके अंदर जितने भी एंगल्स होंगे सभी का एडिशन होगा ओवर 80। मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसके दो पार्ट पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो दोनों एंगल का एडिशन होगा ओवर 80। अगर तीन पार्ट है तो तीनों एंगल का एडिशन होगा ओवर 80। चार पार्ट्स, पांच पार्ट्स, कितने पार्ट्स है उन सभी का एडिशन करने में हमेशा एंगल हमें मिलेगा 180। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो यही चीज हम फिगर में से इस फिगर में से ट्राई करेंगे। इस फिगर में ए बी एक लाइन है, इसके ऊपर 1, 2 और 3 ये 3 एंगल्स है, उन तीनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। सो ये एंगल मतलब एंगल ए ओ सी प्लस ये एंगल मतलब एंगल सी ओ ई प्लस ये वाला एंगल एंगल ई ओ पी या फिर बी ओ ई आप कुछ भी लिख सकते हो, ई ओ पी या फिर बी ओ ई, इन तीनों का एडिशन होना चाहिए 180 बिकॉज वो एक लीनियर पे यहाँ पे लिखूंगा लीनियर एंगल्स। AOC AOC की वैल्यू 40 प्लस COE उसकी वैल्यू नहीं पता हमें,
प्लस बीओई, बीओई की वैल्यू हमें 30 मिली है, 40 प्लस 30 इसका आंसर होगा 70, 70 ऑपोजिट साइड जाएगा, सो एंगल सीओई इज इक्वल 180 में से 70 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। बट हमें सीओई नहीं चाहिए, हमें उसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए आपको 360 में से माइनस करना पड़ेगा, सो रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल टू 360 माइनस उसकी वैल्यू, सो ये बन जाएगा 250 डिग्री। क्लियर? सेकंड, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ए और बी एंगल का रेशियो है 2:3, एंगल सी है इसके अंदर से फाइंड करना। तो फिगर के अंदर हमें दिख रहा है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये लाइन है स्ट्रेट, तो अगर ये एंगल 90 है तो बाकी का एंगल भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये एंगल ए और एंगल बी मिलकर टोटल 90 डिग्री होने चाहिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए रेशियो बी इज 2:3, तो हम ले लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x। अब ये लीनियर पेयर है तो तीनों एंगल का एडिशन होना चाहिए 180 डिग्री, सो एंगल XOM प्लस XOM ये वाला MOP प्लस POY, इन तीनों का एडिशन होना चाहिए 180 डिग्री, राइट। सो एंगल XOM, XOM की वैल्यू होगी B प्लस MOB इसकी वैल्यू होगी A प्लस POY इसकी वैल्यू होगी 90। D की जगह पे एंगल बी की जगह पर हमें लिखना है 3x, A की जगह पर हमें लिखना है 2x, ये 90 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 180 में से 90 माइनस होगा तो 90, 2x प्लस 3x 5x, 5 ऑपोजिट साइड जाएगा, सो एंगल x की वैल्यू मिलेगी हमें, तो x की वैल्यू मिलेगी 8। इसके ऊपर से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर से a का आंसर हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 2x था, और b का आंसर हमें मिलेगा 3x 3 मल्टीप्लाई 18 36 डिग्री 54 डिग्री। अभी हमें c का आंसर फाइंड करना है, ये c का आंसर फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तो यहाँ पे x बन रहा है, तो आप अगर ये वाला एंगल फाइंड कर ले तो टोटल ये 90 डिग्री प्लस ये एक एंगल 36, 90 प्लस 36 तो उसका ऑपोजिट एंगल वो सी एंगल होगा। दूसरी मेथड, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर से दो पार्ट्स है, तो इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए, उसका यूज करके आप फाइंड कर सकते हो एंगल सी। आपको जो भी मेथड ठीक लगे आप उसका यूज कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 180 होगा इस तरह से फाइंड कर रहा हूँ, एंगल बी और एंगल सी इन दोनों का एडिशन होना चाहिए 180 डिग्री, बिकॉज वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है। बी की वैल्यू हमें मिली है 54, अब सी की वैल्यू चाहिए तो 54 को हम ऑपोजिट साइड जाने देंगे, सो एंगल सी विल बी 180 माइनस 54, 180 माइनस 54 तो इसका आंसर हमें मिलेगा 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक फिगर है ट्रायंगल PQR, इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो हमें ये प्रूव करना है कि बाहर वाले दोनों एंगल भी सेम होंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ये दोनों एंगल वो सेम है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, राइट। अभी हम बता रहे हैं कि ये वाला एक लाइन है, इस लाइन के टोटल दो पार्ट्स है, तो इन दोनों का एडिशन 180 होगा, इस तरह से इन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री होगा, तो उसका यूज करूंगा मैं, इन दोनों का एडिशन 180 मतलब PQR प्लस PQS इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी तरह से इन दोनों का एडिशन 180 PRQ
प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री, इन दोनों का एडिशन भी 180 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से माइनस करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो वैल्यू हमें पी क्यू आर और पी आर क्यू की वैल्यू सेम है, यहाँ पे पी आर क्यू की बदले पी क्यू आर लिख दूंगा, राइट, बिकॉज पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों सेम है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा एंगल पी आर क्यू, इसकी जगह पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर डी इक्वल टू 180। अब ये इक्वेशन नंबर 2, अब मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करूंगा, इक्वेशन 1 हमारा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ओके, पहले लेफ्ट साइड इसका फिर लेफ्ट साइड इसका माइनस करना हमें, इससे आगे माइनस आएगा, माइनस एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर डी। अभी दोनों इक्वेशन के लेफ्ट राइट साइड, इसके राइट साइड है 180 और इसकी भी 180, दोनों को माइनस करना हमें, सो 180 माइनस 180, यहाँ पे एंगल पी क्यू आर और माइनस एंगल पी क्यू आर दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर डी, 180 माइनस 180 जीरो, अब ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल आ गए सेम, राइट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे फिगर है, इसके अंदर x, y, z और w, इन चारों का हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें प्रूव करना है कि a, o, b, a, o, b एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा हमें प्रूव करना है, तो किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ एंगल्स है, इन सभी को अगर छोड़ दे तो सर्कल जैसा बन जाता है, इसलिए उन सभी का एडिशन होना चाहिए 360 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस y प्लस z प्लस w इक्वल टू 360, बिकॉज एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, वो एक पॉइंट के आसपास के एंगल्स है, इसलिए उनका एडिशन होगा 360 डिग्री। अभी मैंने क्वेश्चन में दिया है कि x y की वैल्यू और w z की वैल्यू सेम है, तो मैं x y की जगह पे w z पुट कर सकता हूँ, x प्लस y की जगह पे w प्लस z, तो x प्लस y चला जाएगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा w प्लस z और ये एज इट इज z प्लस w, w प्लस w 2w, z प्लस z 2z और 360 एज इट इज, इन दोनों में से 2 कॉमन, अंदर बचेगा w प्लस z, ये 2 है वो ऑपोजिट साइड जाएगा डिवीजन के अंदर, सो w प्लस z इक्वल टू 360 बाई 2, 360 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 180, सो w और z ये दो जो एंगल है उनका एडिशन है 180 डिग्री। फिगर के अंदर देखते हैं, ये w एंगल और ये z एंगल, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री, और 180 में कब मिलता है, जब लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो और उसके पार्ट को तब हमें 180 डिग्री आंसर मिलता है, तो ये दोनों जो एंगल है वो एक लीनियर लाइन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं, सो हम लिखेंगे सो ए ओ बी इन द स्ट्रेट लाइन, या फिर सिर्फ लाइन भी लिख सकते हो कि ए ओ बी इन द लाइन, बिकॉज इन दोनों का एडिशन 180 आ गया, 180 स्ट्रेट लाइन के लिए आ गया, सो दैट्स इट। ओके, अभी आप लोग लिखते हो बोर्ड पे से, फिर आगे सब अगले लेक्चर में हम देखते हैं।